हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य सिलेक्शन बैच की। ये हमारी पहली वीडियो रहने वाली है स्टैटिक जीके की, जिसमें हम सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन चाहे DSSB में पूछा गया है चाहे SSC में पूछा गया है विद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे, कितने नृत्य हैं, कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस नृत्य से रिलेटेड वो सब भी। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस जो थे यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस भी जो है हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है सबके साथ, ताकि जो भी बच्चे अगर कोई कोर्स वगैरह नहीं ले पाते तो उनकी जो है हेल्प हो जाए, क्योंकि ये जो कंटेंट है बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य की हम बात कर रही हैं। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में नृत्य को जो है दैविक माना जाता है। ठीक है, मतलब देवताओं से जो है इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ओके, नटराज की अगर हम बात करें, शिव, नटराज मतलब शिव, शिव को जो है 108 तरीके के नृत्यकों का जो है वो माना गया है कि 108 नृत्य जो थे शिव जी करते थे। ठीक है, और उसमें अगर हम शिव का प्रमुख नृत्य देखें तो वो कौन सा आता है, वो आता है तांडव नृत्य। ठीक है, कौन सा माना गया है, तांडव नृत्य को जो है शिव का प्रमुख नृत्य जो है माना गया है। ठीक, अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जिसके जो है लिखित में जो साक्ष्य नहीं है जिस काल के, उस काल में भी जो है क्या था, नृत्य कला का अस्तित्व माना जाता है। जो हमारा प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद की अगर हम बात करें तो प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, इसमें भी जो है नृत्य और नर्तकियों का जो है उल्लेख दिया गया है। रामायण और महाभारत में अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी नृत्य का उल्लेख जो है मिलता है, लेकिन एक पूर्ण तरीके से एक व्यापक रूप से जो जानकारी दी गई है वो दी गई है नाट्य शास्त्र में, जिसको लिखा है किसने, भरत मुनि ने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, नृत्य दो तरीके के होते हैं, एक होता है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य, और इसी में आ जाता है हमारा क्या, जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य मीन्स जो अलग अलग जो जनजातियां होती है उनके द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है वो जनजातियां। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य क्या है, वह नृत्य जिसमें देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के चरित्रों का वर्णन किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य जो है कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो उसमें जो है कोई भी वो नहीं होता कि इस ढंग से आपको इसको ये करना। जैसे अगर हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की, तो इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से अनुशासन में इसको परफॉर्म करना होता है। ठीक है, मतलब एक ढंग होता है इसको परफॉर्म करने का। लेकिन ये लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो ये उमंग और उल्लास में जो है ये नृत्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनजातियों में जो है किए जाते हैं, तो कोई एक प्रॉपर वो नहीं होता है कि इसी फॉर्म में आपको करना है। तो जो लोक नृत्य होते हैं उनको उमंग और उल्लास के प्रतीक जो है माना जाता है, और वो खुशी से जो है अपनी किए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो लोक नृत्य के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हम सिर्फ शास्त्रीय नृत्य को डिस्कस करने वाली हैं। तो देखते हैं, देखिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है, ये मैंने आपको अभी ऊपर बता ही दिया था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। देखिए फिर अगला आता है कि कला और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो कला और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जबकि ये 6 नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, और इसको जो है 9वां शास्त्रीय नृत्य बनाने की भी घोषणा की जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए 6 को क्या कहा जाता है, अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी जो है कहा जाता है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस पूछे जाएं तो 8 है। उसके बाद डांस के में रस कितने होते हैं, तो 9 तरीके के रस होते हैं, जिसमें लव आता है, हीरोइज्म आता है, पैथोस आता है, ह्यूमर, एंगर, फियर, ठीक है, वात्सल्य रस, रुद्र रस, अगर हिंदी में बोलेंगे तो 9 ही रस होते हैं, डिस्कस्ट, वंडर और पीस, ये 9 रस जो है डांस के बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्लासिकल डांस और वो किस जगह से बिलोंग करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम, ये जो है भारत का सबसे पुराना क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, लगभग 2000 वर्ष पुराना जो है ये शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, और ये बिलोंग करता है कहाँ से, तमिलनाडु स्टेट से, सॉरी हाँ, तमिलनाडु राज्य से जो है बिलोंग करता है। उसके बाद कथक की अगर बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ इंडिया का जो है क्या है,
क्लासिकल डांस है, या आप इसको बोल सकते हैं यूपी, यूपी में जो है ये यूपी राज्य का जो है क्लासिकल डांस कौन सा हो जाएगा, कथक। वैसे राजस्थान में भी किया जाता है, तो अगर हम देखें तो कथक का जो प्रभाव है ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाले एरिया में है, बट मेनली अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो या तो आपको यूपी मिलेगा ऑप्शन में, या आपको नॉर्थ इंडिया का पूछा जाएगा कि नॉर्थ इंडिया का जो केवल एक जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, तो वो है कथक। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कथकली। यहाँ पे सिर्फ कथक था, यहाँ पे है कथकली। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरला का शास्त्रीय नृत्य है। केरला के में दो नृत्य जो आपको याद रखने हैं, एक कथकली रखना है और एक सॉरी ये मोहिनी अट्टम। कथकली अगर मैं बात करूँ तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, और मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी आप देख सकते हैं मोहिनी देवी के नाम पर ही जो ये आया है, ठीक है, ये महिलाओं द्वारा जो है किया जाता है परफॉर्म। ठीक है, कुचिपुड़ी अगर हम देखें तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, और जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है वो है क्षत्रिया, जिसे 2000 में जो था शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था, लेकिन ये 500 वर्ष पुराना है। जैसे अगर मैं बात करूँ भरतनाट्यम की तो ये 2000 वर्ष पुराना है, ऐसे ही क्षत्रिय जो है सबसे नया नृत्य है और ये 500 वर्ष पुराना है लगभग। ठीक है, तो ये याद रखनी है आपको स्टेट। चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। भरतनाट्यम देखें किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा ने भरत के आग्रह पर इसकी शुरुआत की थी, और यह तमिलनाडु के मंदिरों का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य भी है। यह एक हार्य लाशंग्या से विकसित हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें ना भरतनाट्यम की, तो इसकी जो सबसे पहली प्रतिपादक मानी जाती है, मतलब जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है, वो मानी जाती है दक्षिण भारत की देवदासियों से। ठीक है, दक्षिण भारत की देवदासियां, देवदासियां कौन होती थी? जो मंदिर में नाचती थी उन्हें देवदासियां ही कहा जाता था। ठीक है, वहां पर जो उन्हें क्या कहा जाता था? देवदासियां कहा जाता था। ओके, और इस डांस को संरक्षित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? चोलों को दिया जाता है। पांड्य नायक जो हुए, विजयनगर के जो शासक हुए, इनको जो है इस डांस को संरक्षित करने का श्रेय दिया जाता है। ओके, चलिए और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी में जो है देखेंगे। चलिए सबसे पहले आता है इसका पुराना नाम सदिर था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि किस नृत्य का पुराना नाम सदिर था, तो ये था भरतनाट्यम का। आप घुमा के वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, तो भरतनाट्यम का जो पुराना नाम था वो था सदिर, और ये समर्पित है किसको? मंदिरों को समर्पित है। किसको समर्पित है? मंदिरों को। इसमें जो नृत्य का आरंभ होता है, जो स्टार्टिंग होती है डांस की, वो उसे क्या कहा जाता है? आला रिपू। स्टार्टिंग ऑफ डांस कहां से होती है? आला रिपू से होती है, और नृत्य का अंत तिल्लाना पर होता है। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शब्द भरतनाट्यम से संबंधित है, तो वहां पर ऑप्शन था तिल्लाना। ठीक है, तो याद रखना है नृत्य की स्टार्टिंग किससे हो रही है? आला रिपू से हो रही है, और नृत्य का अंत जो है तिल्लाना पर होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि नट्टूवार जो है ये कौन है, किस डांस से रिलेटेड है? तो नट्टूवार भरतनाट्यम से संबंधित है। कविता पाठ जो भरतनाट्यम में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? नट्टूवार बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको भरतनाट्यम से रिलेटेड याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात आती है दूसरा डांस फॉर्म जिसकी बात करेंगे हम, वो है कुचिपुड़ी, और ये बिलोंग करता है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश कहो या ऑप्शन में तेलंगाना है, तो तेलंगाना आपको लगा के आना है। ठीक है, अगर हम इस नृत्य का उद्भव देखें तो कहाँ से हुआ है? इस नृत्य का उद्भव माना जाता है कुचलापुर गांव के नाम से। कौन सा गांव? कुचलापुर। कुचलापुर नामक गांव से जो है इस नृत्य का उद्भव जो है माना जाता है। और इस नृत्य की अगर हम बात करें तो ये भरतनाट्यम से जो है थोड़ा मिलता जुलता है, बट इसको करने की स्पीड जो है वो थोड़ी सी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको परफॉर्म किया जाता है, जो पीतल की तस्तरी होती है, थाल एक तरीके का बड़ा सा, उस पर जो है किनारे पर जो है पैर रख दिए जाते हैं, मतलब इस तरीके से है, तो जो इसके किनारे होते हैं इन पर पैर रखे जाते हैं, देन उसके बाद जो है इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य की अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु और कृष्ण को जो है समर्पित है। याद रखना है भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है ये। ठीक है, यह एक ऐसा नृत्य जो भाषण स्वांग और शुद्ध नृत्य को क्या है? जोड़ता है। भाषण स्वांग और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस डांस का अगर आधार माने तो किसको माना जाता है? भागवत पुराण को जो है इसका आधार माना जाता है। ठीक है, सिद्धेंद्र योगी 17वीं सदी के कलाकार थे जिन्होंने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटिका भामाकल्पम की जो थी नृत्य रचना की थी। ठीक है, ये भी याद रखना है, सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड जो है ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है आपको कि कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है, कर्नाटक संगीत का प्रयोग कुचिपुड़ी नृत्य के साथ किया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। ठीक है, ओडिसी की अगर हम बात करें तो ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। किससे है? भगवान कृष्ण से। और ये परफॉर्म होता है ट्राई एंगुलर पोज में, मतलब त्रिभंग मुद्रा में जो है इसको किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो डांस है इसका जो मेन नियम है, मतलब ये मेन मोटिव जिस पर ये आधारित है, इस मोटिव पर ये आधारित है कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो क्या होता है, मोड़ने के लिए ही होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि यह त्रिभुंग जो ट्राइंगुलर पोज है उस पर जो है ट्राइंगुलर पोज में जो है ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो अगर नियम पूछा जाए कि ओडिसी नृत्य किस नियम पर आधारित है, तो कौन सा नियम हो जाएगा कि जो मनुष्य का शरीर है वो क्या है, मोड़ने के लिए ही है। ठीक है, चलिए, यह ओडिशा के कोणार्क मंदिर में, ओडिसी का है तो कौन से मंदिर में परफॉर्म किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर में। ओडिसी की अगर हम बात करें तो माइकल जैक्सन के 1991 के हिट सिंगल्स ब्लैक या वाइट के संगीत वीडियो में मौजूद एकमात्र जो भारतीय नृत्य था वो कौन सा था? ओडिसी था। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है कथकली। कथकली की अगर हम बात करें तो ये केरल का नृत्य है। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों का वर्णन जो है किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है जो मतलब अगर हम बात करें ना कथकली की, तो इसमें जो है रामायण हो गया, महाभारत हो गया, हिंदू पौराणिक कथा होगी, यहाँ से जो है ये लिया जाता है। ठीक, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है कथकली, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और मोहिनीअट्टम महिलाओं के द्वारा, केरल का ही है वो भी। रामायण महाभारत जो है इसके क्या हैं, आधार हैं। इसमें जो नायक होता है, हीरो होता है, उसको पाचा कहा जाता है, और जो खलनायक होता है उसको कधी कहा जाता है। ठीक, इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन जो है किया जाता है, और इस नृत्य में जो है 24 हस्त मुद्राएं जो है प्रयोग में ली जाती हैं। इसमें 24 है, और अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो उसमें जो है 64 नियम जो है हाथ पैर अपने मुंह और शरीर को हिलाने के लिए, कितने नियम है भरतनाट्यम में? भरतनाट्यम में 64 नियम है। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो ये हो गया कथकली। उसके बाद आता है इसमें विभिन्न पात्रों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग जो है किया जाता है पात्रों को प्रदर्शित करने के लिए। उसके बाद आता है कथक उत्तर प्रदेश। कथक शब्द जो है ये लिया गया है कहाँ से? कथा, कथा से जो है ये उद्धृत जो है शब्द माना जाता है। और इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में रामायण और महाभारत की कथा जो जो कहने वाले गायक या समुदाय होते थे उनसे जो है इसकी माना, मतलब जो कथा कहते थे ना, कथा से ही क्या आया है? कथक आया है। ठीक है, तो यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। कथक नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? नटवरी नृत्य से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कथक नृत्य को और किस नाम से जानते हैं, तो नटवरी नृत्य के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ओके, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कथक नृत्य का उत्थान हुआ, जिस वजह से इस काल को इस नृत्य का स्वर्ण युग जो है कहा जाता है। ठीक, चलिए, उसके बाद आता है मणिपुरी, जो कि बिलोंग करता है कहां से? मणिपुर से। यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसे जागोई और चोलूम नृत्य भी जो है कहा जाता है। देखिए, मणिपुर की अगर हम बात करें मणिपुरी डांस की, तो यह एक तरीके का क्या है? धार्मिक नृत्य है। यह नृत्य किया जाता है क्यों? भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए जो है मणिपुरी नृत्य को जो है किया जाता है। इसमें जो मेल होता है और फीमेल, यानी कि स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, एक साथ जो है नाचते हैं। तो यह अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और सहमित है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से आंख नहीं मिलाते हैं, लेकिन इसमें स्त्री और पुरुष एक साथ जो है नाचते हैं। ठीक है, चलिए, अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। और कौन परफॉर्म करता है ये? महिलाओं के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, भगवान विष्णु को समर्पित है। व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ में इस नृत्य का जो है उल्लेख
मिलता है, ये एकल प्रदर्शन होता है, इसमें एकल महिला द्वारा किया जाता है, ये पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसकी अगर हम कहें ना मुख्य विशिष्टता या विशेषता अगर बोलेंगे तो क्या होगा कि ये एकल महिला द्वारा किया जाता है, सिंगल फीमेल के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। ओके ठीक। और ये नृत्य विष्णु को जो है समर्पित है, विष्णु को समर्पित क्यों है, क्योंकि ऐसे मतलब ऐसी मान्यता है कि विष्णु ने जो है भस्मासुर से शिव की रक्षा करने के लिए जो है मोहिनी रूप धारण किया था। ठीक है, मतलब मोहिनी रूप धारण करके ये नृत्य क्रिया किया था, तो मतलब अलग अलग मान्यताएं हैं, बट ये भी एक उनमें से मान्यता है। ओके, तो इसीलिए जो है मतलब भगवान विष्णु को जो है इसको समर्पित किया गया है। ठीक, ओके, जो भी डांसर्स होंगे जिस डांस से, वो हम बाद में ऑब्वियसली पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है क्षत्रिया। क्षत्रिया की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा असम का शास्त्रीय नृत्य। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। एक तो ये याद रखना है, इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव ने की थी, जो कि असम के वैष्णव मठों से विकसित हुई, और यह बिहू लोक नृत्य से प्रभावित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्षत्रिया असम। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने ऐड कर दिए, जो बार बार एग्जाम में आती है, क्षत्रिया को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, तो 2000 में। जो अगर संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो न्यू दिल्ली में, और नाटक अकादमी की स्थापना पूछा जाता है तो 1953 में हुई थी। शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी है, 8। नवा शास्त्रीय नृत्य किसे घोषणा करने की तैयारी है, तो छऊ, जिसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी जो है बोला जाता है। उसके बाद सबसे पुराना अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो वो है भरतनाट्यम। इसे कब घोषित किया गया था, 1932 में इसको जो है शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया, और ये जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से है, कथक जो है यूपी और नॉर्थ इंडिया, ओडिसी ओडिशा से, क्षत्रिया असम से है, जिसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्षत्रिया का संस्थापक पूछा जा सकता है तो श्रीमद शंकर देव को जो है माना जाता है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य में दो भाव होते हैं जो आपको याद रखने हैं, एक तांडव होता है, दूसरा लस्य। तांडव भगवान शिव को दर्शाता है, यानी कि पुरुष, माँ पार्वती को दर्शाता है कौन सा भाव, लस्य, यानी कि स्त्री। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना, लगभग 2000 वर्ष पुराना है, और क्षत्रिय की बात करें तो सबसे नया, लगभग 500 वर्ष जो है ये पुराना माना जाता है। ठीक है, ओके, चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। भरतनाट्यम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से ये संबंधित है, भरतनाट्यम, तो किस राज्य से संबंधित हो जाएगा ये हो जाएगा तमिलनाडु। केरल से हमने दो पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, एक मोहिनी अट्टम पढ़ा है और दूसरा कथकली पढ़ा है। मोहिनी अट्टम जो है ये महिलाओं द्वारा, एकल महिला द्वारा किया जाता है, और कथकली पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, कुचिपुड़ी है, और कर्नाटक का जो है फोक डांस आता है। कर्नाटक संगीत जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य में यूज होता है, कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य नहीं, लेकिन एक फोक डांस बहुत पूछा जाता है, यक्षगान। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे, वीडियो आएगी नेक्स्ट उसमें। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश, बाकी बता दिए मैंने आपको, तमिलनाडु से भरतनाट्यम हो जाएगा, केरल का बता दिया। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली केरल से हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य ये भी केरल से होगा। क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो असम। सबसे नया नृत्य है, 500 वर्ष पुराना, 2000 में इसको शामिल किया गया था, श्रीमद शंकर देव जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं, यही पॉइंट पूछे जाते हैं। एक ऐसा नृत्य जो भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, बताया था मैंने कुचिपुड़ी, जो भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को क्या करता है, जोड़ता है, वो कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन है। जागोई एंड चेवलोम आर द टू मेन डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, पढ़ा था अभी, मणिपुरी डांस। मणिपुर डांस का जो है दो मेन डिवीजन है, जागोई और चेवलोम। ठीक है, मोहिनी अट्टम भारत के डैश से संबंधित है, जिसका नाम पौराणिक दिव्यम मोहिनी से लिया गया है, तो कहां, क्या क्या हो जाएगा, केरल। मोहिनी अट्टम भारत के केरल से संबंधित है। ठीक, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है, देखिए ऐसे पूछा गया, तो ये हो जाएगा उत्तर भारत का। वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया है, तो ये भरत मुनि ने किया है। नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया है, भरत मुनि ने किया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, और कथक जो है कहाँ का हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा। भांगड़ा जो है ये क्या है, फोक डांस है, कहाँ का है, पंजाब का है, पंजाब का शास्त्रीय नृत्य, सॉरी पंजाब का लोक नृत्य है।
ठीक है। शास्त्रीय नृत्य सत्रिया किस राज्य से संबंधित है, तो असम से रिलेटेड हो जाएगा ये। उसके बाद है छऊ डांस भारत के किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नृत्य है, छऊ, छऊ की बात करेंगे तो पूर्वी भारत का होगा ये, याद रखना है। उत्तर भारत का अगर पूछा जाता है तो कथक हो जाएगा और ये पूर्वी भारत का हो जाएगा। बाकी आप अगर देखेंगे तो वो बाकी सारे साउथ के हैं डांस, ठीक है। फिर वो भरतनाट्यम ले लीजिए, कुचिपुड़ी ले लीजिए, फिर कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है, तो उधर आ जाएंगे फिर दक्षिण भारत में। चलिए एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वॉज अर्लियर नोन एज सदिर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा डांस है जो कि डेडिकेट है किसको, मंदिरों को, और जिसको पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। ये 2022 के CHSL एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको, भरतनाट्यम जो है इसको सदिर के नाम से जाना जाता था और ये डेडिकेट है किसको, टेम्पल्स को, मंदिरों को समर्पित है, ठीक। ओके, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कथकली केरल का हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, और कथक जो है यूपी का हो जाएगा। अगला, विच इज द फर्स्ट ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल डांस टू बी रीफैशन्ड एज ए थिएटर आर्ट एंड टू बी एग्जिबिटेड वाइडली बोथ एट होम एंड एब्रोड। ओके, इसमें बताइए क्या आंसर आएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भरतनाट्यम, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, भरतनाट्यम, ठीक। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस इज एसोसिएटेड विद द वैष्णविज्म ऑफ द मिताई पीपल्स, जो मैतई पीपल होते हैं उनके, मतलब ये वैष्णविज्म से जो है रिलेटेड है, ये मैताई पीपल जो है इस पे करते हैं, वैष्णविज्म ऑफ मैताई पीपल से जो है रिलेटेड है, तो कौन सा जो है डांस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मणिपुरी डांस। ओके, छऊ डांस आपको पता है अर्धशास्त्रीय नृत्य, यानी कि इसको सेमी क्लासिकल इंडियन डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी क्लासिकल इंडियन डांस, अर्धशास्त्रीय नृत्य के रूप में जो इसको जाना जाता है, ठीक है। क्षत्रिय की अगर हम बात करेंगे तो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है ये, ठीक है। और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। चलिए अगला है, द क्षत्रिय क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, ये भी 2022 की CHSL में पूछे गए हैं। तो क्षत्रिय क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, तो असम से जो है ये संबंधित हो जाएगा। और इसके जो फाउंडर पूछे जाते हैं वो कौन थे, श्रीमत शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस टाइप बिलोंग टू नॉर्दर्न इंडिया। ओके, जो नॉर्थ इंडिया से डांस बिलोंग करता है वो कौन सा है, तो वो है कथक, ठीक है, कथक। द एफर्ट्स ऑफ सिद्धेंद्र योगी हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द डांस फॉर्म कॉल्ड, एफर्ट्स ऑफ सिद्धेंद्र योगी है, तो देखिए ये हमने सिद्धेंद्र योगी का नाम जो था पढ़ा था, जिन्होंने एक क्या बोलते हैं इसको, उन्होंने कुछ ओपन किया था ना वो भामाकल पंप नाम करके, ठीक है, तो वो वही है ये, ठीक। तो किस डांस से रिलेटेड है ये, कुचिपुड़ी, ठीक है। तो द एफर्ट्स ऑफ सिद्धेंद्र योगी हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द डांस फॉर्म कॉल्ड कुचिपुड़ी। और यही थे जिन्होंने नृत्य नाटिका भामाकल्पम जो था ओपन किया था, भामाकल्पम, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है, कुचिपुड़ी से रिलेटेड हो जाएंगे। और ओके, इन अ टू वार कंडक्टेड डैश डांस रिसाइटल, ओके, जो डांस रिसाइटल जो कविता पाठ करते हैं, क्या कौन से उसमें था, ये भरतनाट्यम से रिलेटेड था, बताया था मैंने, लिखा हुआ है नोट्स में ऊपर। तो इन नट्टू आर कंडक्टेड भरतनाट्यम डांस रिसाइटल, जो जो कविता पाठ होता है उसको करने वाला क्या कहलाता है भरतनाट्यम डांस में, उसको नट्टू वार जो है बोला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन असम, जो असम में ओरिजिनेट हुआ है, तो वो है क्षत्रिय। लावणी की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र का क्या है, फोक डांस है। ऐसे ही जो है छऊ जो है ये इधर वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले एरिया में किया जाता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द भरतनाट्यम डांस फॉर्म, इनमें से कौन सी टर्म है जो भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड है, तो कौन सी हो जाएगी, इस समय से तिल्लाना दे रखा है, मंगलाचरण,
बत्तू नृत्य और या फिर त्रिजम, तो तिल्लाना है, बताया था तिल्लाना। और स्टार्टिंग किससे होती है, एक और शब्द जो इससे रिलेटेड है, आला रिपू। आला रिपू स्टार्टिंग जो होती है वो भरतनाट्यम किससे होती है, और जो एंड होता है वो तिल्लाना या थिल्लाना से होता है। ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेट है कहाँ पर? तो ये है इम्फाल में। ओके, इम्फाल जो है हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। तो ये थे क्वेश्चंस क्लासिकल डांस से। तो और जो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते थे वो सारे हमने कवर किए हैं। अगर अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं, आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम फोक डांस को करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोक डांस से पूछे गए हैं वो साथ साथ इसमें आपके कवर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस करेंगे हम फोक डांस से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको ये सिलेक्शन बैच पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि और बच्चों को भी जो है हेल्प मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं वन बाय वन जो है हम इस तरीके से जो है वीडियो करते जाएंगे, और कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी जो है हम एक सब्जेक्ट को तो हम जो है पूरा, मतलब एक एक सब्जेक्ट लेके भी अगर हम चलते हैं तो जल्दी जल्दी जो हमारा जो भी सिलेबस है वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपका जो फर्स्ट वीडियो हमने की थी स्ट्रेटेजी वाली, सिलेक्शन बैच के बारे में जिसमें बताया है, उसमें मैंने आपको बताया 15 से 20 जो टॉपिक बनते हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमको करनी है। तो पहले हम उन्हीं पर फोकस रखते हैं और उन्हें पूरा कवर करते हैं, उसके बाद जो बाकी अदर टॉपिक्स होंगे या प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की वो बाद में करेंगे। ठीक है, बट ये ऐसे टॉपिक है जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।